हे दोस्तों, की हाल चाल। मेरा नाम है प्रशांत और आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग लिनक्स फंडामेंटल पूरा कवर करेंगे एंड जिसमें मैंने मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टास्क यू नो कवर किए हैं, जो कि मैं पर्सनली एज ए टेक लीड अपने डे टू डे वर्क में यू नो यूज करता हूँ। एंड एंड आई एम श्योर ये वीडियो के एंड में आप लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे और आपको लिनक्स इजी लगने लगेगा, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक्स एक बार मेंशन कर दूंगा, सो आप लोग एक बार रिव्यू कर सकते हो ये वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले। सो ऑल द बेस्ट एंड वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो कि मेरा टर्मिनल ओपन है और मैं अगर मिनिमाइज करूँ तो देखो ये बैकग्राउंड में मेरा वर्चुअल बॉक्स चल रहा है ओरेकल का एंड इसमें मैंने CentOS इंस्टॉल करके रखा है। अगर आप इसकी यू नो कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हो कि कैसे कॉन्फ़िगर किया है, सेटअप किया है, सो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पर क्लिक मतलब चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। और ये पुटी है, ये पुटी के थ्रू मैं उससे कनेक्टेड हूँ, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी यू नो पॉल एट द रेट लोकल होस्ट एंड टेल्डा साइन एंड यू नो इज डॉलर साइन। ओके, सो डॉलर साइन इज लाइक यू आर अंडर द यूजर एंड पॉल एट द रेट लोकल होस्ट इज लाइक यू नो द पॉल इज द यूजर नेम एंड लोकल होस्ट इज द होस्ट नेम। इवन दो, ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको होस्ट नेम चेक करना है, ठीक है, सो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए सिंपली कमांड है होस्ट नेम, ठीक है। नाउ यू कैन सी द फुल होस्ट नेम लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। एक्चुअली लोकल होस्ट एक्चुअली द होस्ट नेम होता क्या है, ठीक है, जो आपका मशीन जिस नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, सो उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई आपकी मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नेम की जरूरत पड़ती है जिसको हम होस्ट नेम कहते हैं, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस इज योर होस्ट नेम एंड कौन सा यूजर लॉग्ड इन है राइट नाउ, सो उसके लिए हम यू नो कमांड यूज करेंगे हु एम आई। सो आप देख सकते हो पॉल। सो यहाँ पे वैसे आप ये जो दो इन्फॉर्मेशन है आपको यू नो यहाँ से भी मिल जाएगी, पॉल एट द रेट लोकल होस्ट, ठीक है, दैट्स फाइन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर आपको लिनक्स पे आईपी चेक करनी है, ठीक है, आईपी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी आप जैसे अगर जॉब कर रहे हो या फिर आपका खुद का भी सेटअप है, आपको कहीं ना कहीं से कनेक्टिविटी मेंटेन करना पड़ता है, जिसके लिए आईपी की जरूरत पड़ती है। इफ यू नीड टू चेक, सो आईपी ADDR अगर आप टाइप करते हो, सो नाउ यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन सी, ठीक है। यहाँ पे एलओ है, ये लूप बैक है और यहाँ पे वर्चुअल ब्रिज, यू नो ये सब जो देखते हो, ये ENP0S3 ये नेटवर्क इंटरफेस है, ठीक है। और जैसे ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट ये, सो आपको अगर अपनी यू नो लिनक्स सर्वर की आईपी यू नो स्पेसिफाई करनी है, सो ये दिस इज द इंटरफेस यू नो एक्चुअली होता है आपके वीएम पे या फिर वर्चुअल बॉक्स पे। और ये जो आईनेट है, ये जो आप देख रहे हो 192.168.168 सॉरी, तो ये आपकी आईपी होती है, ठीक है। ओके, इसके बाद है PWD कमांड। देखो अभी तक हम लोगों ने कुछ कमांड्स यूज करी, ठीक है, लेकिन ये हम लोग डायरेक्ट कंसोल पे हैं, हम लोग कौन सी लोकेशन पे हैं, क्या हो रहा है, इस लोकेशन में कुछ है नहीं है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो एक PWD है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड, ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी। सो आप जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो उस डायरेक्टरी का पाथ शो करता है, ठीक है। सो यू कैन सी लाइक होम के अंडर एक पॉल है, सो पॉल मतलब आप जितने भी यूजर होते हैं ना एक्चुअली यू नो लिनक्स सर्वर पे, उनके खुद की डायरेक्टरी बनी रहती है उनके नाम से। सो होम के अंदर पॉल है, ठीक है, सो पॉल की डायरेक्टरी के अंदर है। अभी मुझे क्या देखना है कि पॉल है उस डायरेक्टरी के अंदर कुछ है कि नहीं, या फिर ठीक है, सो हम लोग ls कमांड यूज करते हैं। सो लिस्ट डायरेक्टरी, ठीक है, सो जितनी भी डायरेक्टरीज हैं या तो फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है, सिर्फ ls कमांड यूज करोगे ls। ये देखो ये इतने सारे यहाँ पे ये फोल्डर्स हैं, यहाँ पे फोल्डर भी आपके डायरेक्टरी में प्रेजेंट है, अगर आपको चेक करना है तो ls कमांड यूज करोगे, ठीक है। नाउ मैं क्या चाहता हूँ कि देखो ये तो यू नो बाय डिफॉल्ट यू नो पहले से ही ये फोल्डर्स बने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप विंडोज में भी देखो यू नो आपके डेस्कटॉप होता है, आपका यू नो म्यूजिक होता है, वीडियोस होते हैं, ऐसे यू नो ये सारे फोल्डर्स आपको उसमें भी दिखेंगे, तो ऑलरेडी फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है। अगर मुझे खुद का एक फोल्डर बनाना, क्या करूंगा, MKDIR, ठीक है, सो इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी और उसके बाद अपने डायरेक्टरी का या फिर फोल्डर का नाम दोगे, सो आपका फोल्डर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई फोल्डर, ये मेरा माई फोल्डर मेरा फोल्डर का नाम है, ठीक है, मैंने एंटर किया। अभी मुझे चेक करना है बना है कि नहीं, हम लोग फिर से ls यूज करेंगे। नाउ यू कैन सी एक एडिशनल फोल्डर है यहाँ पे माई फोल्डर, जो कि हमारा खुद का फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। अभी जैसे कि हम विंडोज में फोल्डर्स रहते हैं तो फोल्डर पे डबल क्लिक करके हम उसके अंदर चले जाते हैं, यहाँ लिनक्स पे
उसी तरह से हमें ना किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग सीडी कमांड यूज करेंगे, सीडी, एंड उसके बाद हमें फोल्डर का नाम यूज करना है, ठीक है? वेरी सिंपल, सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद जैसे हम लोग ने एक नया फोल्डर बनाया, ठीक है, सो माय फोल्डर, ठीक है, ये मैंने कैसे किया मैं बताता हूँ। देखो ये लिनक्स पे आप टैब यूज करके यू नो ऑटो कंप्लीट यूज कर सकते हो फीचर, जो कि आपको काम काफी इजी हो जाएगा, और ये खुद सजेस्ट करता है कि वो चीज है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल माय, ठीक है, सिर्फ माय बस किया और मैंने टैब प्रेस किया, तो ये देखो ऑटो ऑटोमेटिकली ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? सो इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है? सो अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर मतलब देखो कंसोल पे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, मुझे क्लियर करना है, मतलब स्टार्ट फ्रेश विंडो चाहिए, सो मैं क्लियर यूज करूंगा। ये देखो स्टार्टिंग से हो गया। तो नाउ यू कैन सी, देखो पॉल एट द रेट लोकल होस्ट, और यहाँ पे मेरा फोल्डर का नाम भी अब शो कर रहा है। सो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत यू नो यहाँ पे एक्चुअली ना करेंट फोल्डर आपका शो करता है, सिर्फ करेंट फोल्डर, ठीक है, पूरी डायरेक्टरी नहीं दिखाएगा। अगर आपको अभी पूरी डायरेक्टरी देखनी कि आप एग्जैक्टली कौन से लोकेशन में हो, सो फिर से क्या करोगे, PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, या तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी कई लोग बोलते हैं, ठीक है, इट्स फाइन। तो देखो पॉल के अंदर, सॉरी होम के अंदर पॉल, एंड उसके अंदर हम लोग ने जो माई फोल्डर अपना नया फोल्डर बनाया उसके अंदर हम लोग आ चुके हैं। और मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेता हूँ एक्चुअली, ठीक है, मेक डायरेक्टरी फॉर एग्जाम्पल फोल्डर वन, ठीक है, फिर से चेक करना बना है कि नहीं, LS कमांड, ठीक है। नाउ एक चीज और बतानी है, ठीक है, अभी हम लोग, ठीक है, ये फोल्डर के अंदर जाना है तो क्या करते हैं हम लोग, CD और फोल्डर का नाम, एंड उसके बाद एंटर करेंगे। तो यहाँ देखो ये अभी करेंट फोल्डर आपका दिखाता है, सिर्फ ये फोल्डर वन के अंदर हो, अभी एग्जैक्ट आपको पाथ यू नो चेक करना है तो क्या करोगे, PWD। तो यहाँ पे पॉल के अंदर माय फोल्डर, एंड उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया है, उसके अंदर है अभी हम लोग। ओके, अभी हम लोग ने फोल्डर के अंदर जाना तो सीख लिया, अब फोल्डर के बाहर आना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन CD कमांड यूज करेंगे, CD, ओके, सो डॉट डॉट मतलब एक स्टेप आप पीछे आओगे, ठीक है, सो दिस, ओप्स, ऑलराइट, एक्चुअली स्पेस नहीं दिया था, तो CD स्पेस डॉट डॉट, ठीक है, सो आप देखोगे तो माय फोल्डर पे आ गए। अभी PWD करते हैं, तो देखो ये फोल्डर से पीछे हम लोग माय फोल्डर पे, मतलब एक स्टेप हम लोग पीछे आ गए, ठीक है। अभी हम लोग को फिर से एक और स्टेप पीछे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, CD डॉट, ओके, सो नाउ यू कैन सी, ओके, PWD हम लोग पॉल के अंदर है, ठीक है, तो हम लोग टोटली बाहर आ गए। एक चीज और बताता हूँ, एग्जाम्पल माई फोल्डर के अंदर एक और अभी, हाँ अभी मुझे डायरेक्टली माई फोल्डर बनाया हम लोग ने, ठीक है, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया, अगर मुझे इस लोकेशन से डायरेक्ट फोल्डर वन के अंदर जाना है तो क्या करूंगा, देखो कैसे करते हैं, CD माई फोल्डर एंड उसके बाद फोल्डर वन। देखो ये ऐसे भी आप डायरेक्टली अंदर अंदर फोल्डर्स के जा सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। अभी देखो डायरेक्टली हम लोग फोल्डर वन के अंदर आ गए, चेक कर सकते हैं PWD से, ठीक है, फोल्डर वन में, ठीक है। अभी मुझे डायरेक्टली ना अपने होम लोकेशन पे जाना है, होम लोकेशन मतलब अपने पॉल वाले जो लोकेशन है उसमें जाना है, तो पता है क्या करोगे, अब सिर्फ CD प्रेस करो, कुछ नहीं स्पेस भी चलो कुछ नहीं देना है, सिर्फ CD प्रेस करो, एंटर करोगे, आप देखो ये यहाँ पे अपना नॉर्मल वाले लोकेशन पे आ गए, ठीक है, LS, ठीक है। तो आपने देखो ये जो होम लोकेशन था अपना स्टार्टिंग पॉइंट, वहां पे अपन आ गए, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो पॉइंट, ओके। अभी हम लोग ने देखो दो फोल्डर बनाए, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या दो फोल्डर बनाए, एक माई फोल्डर एंड उसके अंदर फोल्डर वन, ठीक है। नाउ देयर इज वन थिंग कि हो सकता है कि उसके अंदर हजारों फोल्डर हो, मतलब ऐसी काफी सिचुएशंस आती हैं, जैसे प्रोडक्शन सर्वर्स हैं या तो बड़े बड़े सर्वर्स हैं, बहुत सारी फाइल्स होती हैं, आपको कोई अपना फोल्डर सर्च करना है तो क्या करोगे, आप फाइंड कमांड यूज कर सकते हो। फाइंड कमांड आपको कहाँ सर्च करना है, आपको प्रेजेंट लोकेशन में सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम यूज करता हूँ, नेम, हमारे फोल्डर का नाम क्या था, फोल्डर वन, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड, ओके ओके। रीजन क्या है, देखो अपन ने प्रेजेंट पे किया, ठीक है, तो वो उसने एक्चुअली पूरे सिस्टम की फोल्डर्स उसने ट्राई किया यू नो सर्च करने का, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं,
ओके, देयर इज वन मोर थिंग. ओके, अभी हम लोग ने जो इसके प्रीवियस कमांड चलाई, ठीक है, प्रीवियस कमांड जो रन करी ना, वो हम लोग को फिर से यूज करनी है, तो आपको फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं. आप क्या करोगे, जो आप एरो है ना, तो आप एरो बस प्रेस करते जाओ. ये देखो, आप एरो प्रेस करोगे तो आपकी जो ओल्ड, जो पुरानी, यू नो, जितनी भी कमांड्स है वो आती जाएंगी. ये देखो, ये ऐसे, और ये डाउन एरो या अप एरो यूज करते जाओ. फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कमांड फिर से यूज करनी है, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे फाइंड करना है, लेकिन माय फोल्डर के अंदर. लेट्स सी. ओके, नाउ देखो, उसने फाइंड करके दिया, ठीक है, फाइंड. मैंने क्या बोला कि माय फोल्डर के अंदर ये फोल्डर वन नाम की कोई चीज है क्या, तो उसने बोला कि हाँ, माय फोल्डर, एंड उसका लोकेशन भी दे दिया, फोल्डर वन, तो उसके अंदर है, ठीक है. माय फोल्डर, फोल्डर वन, ठीक है. यहाँ पे ठीक है, एक दो चीजें और बता देता हूँ, ठीक है. अभी हम लोग माय फोल्डर के अंदर हैं, अभी ls है, फोल्डर वन है, ठीक है. और यहाँ पे मैं फोल्डर टू बना देता हूँ, मीडिया, एंड mkdir लाइक कार्टून्स, एनीथिंग एनीथिंग. मैं सिर्फ रैंडमली ऐसे बना रहा हूँ फोल्डर्स, ठीक है. यहाँ पे चार फोल्डर्स हो गए. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ, यू नो, फोल्डर्स हैं. नाउ आपको ना लिस्टिंग करनी है बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कीवर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, मुझे ls करना है, तो ls में इसने सारी सारे फोल्डर्स दिखाया. अभी मैं क्या बोलता हूँ, ls फोल्डर, ठीक है, एंड स्टार स्टार, ठीक है, मतलब फोल्डर वर्ड हो एंड उसके बाद कुछ भी हो, सो यहाँ पे लिस्ट करना है, ठीक है. सो फोल्डर, तो यहाँ पे देखो, फोल्डर वन, फोल्डर टू, सो यहाँ पे उसने दो चीज दिखाई, ठीक है. ये देखो, फोल्डर वन एंड फोल्डर टू, ठीक है, तो उसने ऐसे लिस्टिंग कर दी. तो वैसे ही ये चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी जब आपको कभी, यू नो, कुछ स्पेसिफिक फाइल्स सर्च करनी है. फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता है नाम, ठीक है. अभी जैसे फोल्डर भी है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे फोल्ड भी कर सकते हो, उसके बाद भी फोल्डर दिखा देगा. इसके बाद एक काम करता हूँ, मैं मीडिया में जाता हूँ. ऑलराइट, सो मैं अभी मीडिया में हूँ, और मुझे, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊँ, क्योंकि देखो, अभी हम लोग ने फोल्डर बनाना तो सीख लिया, बट फाइल कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग टच कमांड यूज करेंगे, टच, ठीक, टच. एंड उसके बाद सिर्फ आपको फाइल का नाम देना, एक्सटेंशन वगैरह की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है, आप नॉर्मली यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, फाइल वन, ठीक है, मैंने ऐसी फाइल की, ठीक है. नाउ कैसे चेक करेंगे, बनी कि नहीं, ls, ठीक है. यहाँ पे देख सकते हो कि फाइल वन आपकी यहाँ पे फाइल बन गई है. मैं यहाँ पे टच फाइल टू ऐसा भी बना देता हूँ, ठीक है. अभी मैं सबसे होम लोकेशन पे चले जाता हूँ, ठीक है. अभी हम लोग फाइंड कमांड फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है. क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे. अभी फाइंड कौन से लोकेशन में, माई फोल्डर, माई फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर हम लोग ने फाइल्स भी बना लिए, ठीक है. अभी मुझे एक फाइल का नाम, यू नो, सर्च करना है कि नहीं. फाइल का नाम अपना क्या था, फाइल वन. सो सी, उसने पूरा पाथ दे दिया. माय फोल्डर के अंदर एक मीडिया फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल वन डली हुई है. एंड लेट्स सी, ओके, यहाँ फाइल है ही नहीं. एंड फाइल टू भी हम लोग ने बनाई थी. नाउ यू कैन सी कि माय फोल्डर मीडिया फाइल टू, ठीक है. सो इन दिस केस, अगर आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं, अगर फाइल सर्च करनी है, अगर आप भूल गए हो, सो ऐसे सर्च कर सकते हो, ठीक है. बट यस, ऑफ कोर्स, आपको स्टैंडर्ड थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, और आपको स्टार्टिंग फोल्डर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी इट्स इजी टू फाइंड अ फाइल इन द लिनक्स. ओके, ऑलराइट. सो हम लोग फिर से अपने माय फोल्डर में चले जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे चार फोल्डर्स हैं. अभी तक हम लोग ने फोल्डर बनाना तो सीख लिया, बट हम लोग ने फोल्डर को डिलीट करना नहीं सीखा, ठीक है. सो फोल्डर हम लोग को डिलीट करना तो कैसे करेंगे, कमांड है, वो है rmdir, rmdir, ठीक है. और यहाँ पे कार्टून्स टैब मारेंगे, ठीक है. और आए, ठीक है, यहाँ पे आपने एंटर किया, ls करोगे, यहाँ पे आपका वो फोल्डर डिलीट हो चुका है, ठीक है. आपके पास एक और ऑप्शन है, वो की जो कि rm है, ठीक है. एंड इसके बाद आपको r यूज करना पड़ेगा फॉर द रिकर्सिव एंड इसकी फाइल्स के लिए, ठीक है, मीडिया, ठीक है. तो यहाँ पे देखो कि मीडिया भी गया. एंड आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मीडिया के अंदर दो हमारी फाइल्स भी थी, वो भी हमारी डिलीट हो गई. सो वो पूरा फोल्डर पूरा, यू नो, उठा के वो पूरा डिलीट कर देता है इन दिस वे, ठीक है. अभी अभी हम लोग ने रिमूव भी देख लिया. ऑल राइट, सो आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने rmr ये किया, ठीक है. एंड ठीक है, इसके पहले एक चीज और मैं दिखा देता हूँ, ठीक है. यहाँ पे अभी सिर्फ दो फोल्डर हैं, और यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, फाइल वन, टच
2 ओके ls ठीक है। अभी तक सिर्फ हम लोग सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नाम दिख रहे हैं सिर्फ फाइल एंड फोल्डर्स के। अगर इन फाइल्स एंड फोल्डर के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे ls l ठीक है ls l करेंगे इट्स फाइन। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारी फाइल्स हैं फोल्डर्स हैं। यहाँ पे आप कलर से भी थोड़ा सा यू नो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो जैसे कि ये व्हाइट में दिखा रहा है और ये ब्लू फोल्डर्स हैं ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एक्चुअली ये है क्या अभी इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी आप लोग एक देख रहे होगे कि इतनी सारी कमांड्स हैं और इसके बाद मैं यू नो कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे ऑप्शंस यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ऑप्शंस आते कहाँ से हैं और मैं इसका मतलब कहाँ से सीखूँ कहाँ से देखूँ। सो इसके लिए ना लिनक्स में आपके पास यूज़र मैनुअल है हेल्प आप ले सकते हो। कैसे मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग ने एल एस कमांड यूज़ करी तो एल एस है इसके पास हाइफन हाइफन हेल्प ठीक है। सो अगर आप हेल्प ऐसे यू नो टाइप करते हो एंटर करोगे सो नाउ यू कैन सी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। सो देखो यहाँ पे एल एस है लिस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स। अभी यहाँ पे हम लोग ने देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं कि क्या क्या यूज कर सकते हैं। अभी जैसे कि अपन ने एल एस हाइफन एल यूज किया था सो यहाँ पे देख सकते हो यूज अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट सी एल ठीक है यूज अ लॉन्ग लिस्टिंग। सो अपन ने पूरी लिस्टिंग का फॉर्मेट किया सो वो है। यहाँ पे देखो जैसे कि और भी ऑप्शन है लाइक टी सॉर्ट बाय मॉडिफिकेशन टाइम न्यूएस्ट फर्स्ट एंड एल टी आर अगर आर भी है तो सी रिवर्स ठीक है। सो काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो किसी भी कमांड के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हाइफन हाइफन हेल्प मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ या फिर एक और चीज कर सकते हो मैन मतलब मैनुअल और उस कमांड का नाम जैसे कि ls है। ये देखो इसने बहुत ही ब्यूटीफुली यू नो एज अ पेज यू नो पैटर्न में आपको दिखा दिया है। ls मतलब लिस्ट डायरेक्टरी या फिर ऑप्शन है या फिर फाइल है ठीक है। और जैसे कि अभी हम लोग ने ls फाइल से भी हम लोग यू नो ग्रैब किया था सो वही है देखो इतने सारे ऑप्शन है इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से रीड कर सकते हो मैनुअल इट्स ज्यादा मोर रीडेबल ठीक है। सो आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो अभी हम लोग ने क्या देखा एल एस एल टी मतलब ये सी एल एस एल टी कि मतलब जो मॉडिफिकेशन डेट हुआ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉर्ट हो गया है। और अगर हम लोग को रिवर्स ऑर्डर में देखना है तो एल एस एल टी आर करेंगे सो रिवर्स ऑर्डर। तो इसमें क्या होता है जो सबसे लास्ट मॉडिफाइड जो फाइल हुई है वो आपको सबसे आखिरी में दिखाएगा। ये देखो 1041 ओके एनी वे मतलब ये दोनों साथ में ऑलमोस्ट साथ में की थी मतलब कुछ सेकंड का डिफरेंस होगा ओके मैं ठीक है। अभी मैं फाइल वन को यू नो थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ। चेंज मतलब कुछ हम लोग उसमें टाइप करेंगे ठीक है क्योंकि हम लोग ने फाइल तो बना दी बट फाइल के अंदर हम लोग ने कुछ राइट नहीं किया अभी तक ठीक है। सो अभी हम लोग राइट करके मैं तो दिखाता हूँ। सो राइट करने के लिए हम लोग पता है कौन सी कमांड यूज करेंगे हम लोग कमांड यूज करेंगे vi जो कि एक vi एडिटर होता है लिनक्स का एडिटर जैसे विंडोज में नोटपैड होता है जैसे लिनक्स में vi एडिटर vi ठीक है। एंड उसके बाद आपको फाइल का नाम यूज करना है फाइल वन एंड दैट्स इट। आप यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एडिटर एक अलग ही यू नो कंसोल टाइप में आ गए हो यहाँ एक एडिटर है। अभी नीचे देखोगे तो ये आपकी फाइल बने और आपको यहाँ पे एडिटिंग स्टार्ट करनी है तो आप पता क्या करोगे आप आई प्रेस करोगे। अब जैसे ही आई प्रेस करते हो आई तो सी आप नीचे देखोगे तो आप इंसर्ट मोड में आ गए। इंसर्ट मोड मतलब आप यहाँ पे टाइप स्टार्ट कर सकते हो टाइपिंग और यू नो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो एडिट कर सकते हो। हेलो यूजर्स माय नेम इज प्रशांत ओके अभी मैंने टाइप कर लिया। अब मुझे ना इंसर्ट मोड से जब भी निकलना है मतलब आप जब भी एडिटर में हो आपको किसी भी मोड में से बाहर आना है तो आप एस्केप यू नो प्रेस कर दोगे। जैसे ही आप एस्केप प्रेस करोगे आप देखोगे यहाँ पे इंसर्ट मोड से आप हट गए हो। नाउ हाउ टू सेव अ फाइल ओके सो इसके लिए क्या करना है शिफ्ट एंड कॉलन ओके शिफ्ट प्लस कॉलन आपको प्रेस करना है। तो देखो यहाँ पे आपका नीचे आप यहाँ पे कॉलन दिखेगा ठीक है शिफ्ट कॉलन हो गया। उसके बाद डब्ल्यू क्यू मतलब होता है सेव एंड क्विट ठीक है डब्ल्यू क्यू ऑल राइट। सो अभी हम लोग ने कौन सी फाइल वन यू नो एडिट करी थी अभी हम लोग एल एस एल टी आर करते हैं ठीक है एल टी आर। सो नाउ यू कैन सी फाइल वन सबसे लास्ट में आ गई सी 1846 पे हम लोग ने इसको एडिट किया ठीक है। सो दिस इज हाउ
ये ls कमांड वर्क। ओके सो ls ls ltr के बारे में हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, हम लोग इसके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना, दैट इज लाइक द परमिशंस ऑन योर फाइल्स और फोल्डर, ठीक है। दिस इज द परमिशंस एंड द टाइप ऑफ कॉन्टेंट कॉन्टेंट आई मीन लाइक जो भी आपको मटेरियल डला हुआ है, लाइक फोल्डर है, फाइल है, वो आइडेंटिफाई भी इस पार्ट से होता है। अभी देखो इन पॉल पॉल व्हाट इज दिस पॉल पॉल, ठीक है। सो पॉल मीन्स यूजर, तो ये जो फोल्डर है इसका ओनर पॉल है, ये पॉल ये ग्रुप का पार्ट है, तो ये पॉल इज ऑल्सो अ ग्रुप। साइज ऑफ द फोल्डर एंड कब मॉडिफाई हुआ है एंड ये फोल्डर, मतलब ये जैसे ब्लू कलर में आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर डी दिखता है सो दैट इज लाइक द डायरेक्टरी और द फोल्डर। अगर आप सिंपल हाइफन दिखता है सो इसका मतलब है फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी फाइल या फोल्डर किस टाइप का है, ठीक है। ये तीन पार्ट में डिवाइड होती है, 1, 2 एंड 3। और देखो RWX का मतलब होता है रीड राइट एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। सो रीड राइट एग्जीक्यूट, ओके। सो रीड राइट का मतलब तो आपको पता है कि भाई कोई यूजर उसको रीड कर सकता है कि नहीं, राइट कर सकते हैं ना। एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट मतलब आप उसको डिलीट कर सकते हो कि नहीं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। एंड इसका मतलब भी एग्जीक्यूट होता है। अगर आपकी कोई स्क्रिप्ट है तो आप उसको रन नहीं कर सकते हो अगर आपके पास एग्जीक्यूट परमिशंस नहीं है तो। ऑलराइट, जैसे कि देखो यहाँ पे पॉल है क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ पॉल यूजर से ही कर रहे हैं। ऑलराइट, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग रूट यूजर में लॉग इन होते हैं, ठीक है। एंड हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को रूट यूजर में लॉग इन होना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्विच यूजर और ये सिर्फ हाइफन एंड इसके पास एंटर करोगे, सिर्फ पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, और वो रूट का पासवर्ड। सो हम लोग ने जब कॉन्फिगर किया था हम लोग ने रूट पासवर्ड ही दिया था, सो रूट मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, सो यहाँ पे लॉग इन हो गया, ठीक है। अभी नाउ यू कैन सी यहाँ पे रूट हो गया एंड लोकल होस्ट, ठीक है। ओके नाउ हम लोग का लोकेशन क्या था, होम और पॉल, ठीक है। अभी देखो हम लोग पॉल के पूरी डायरेक्टरी में आ गए। ओके देयर इज वन मोर थिंग, रूट क्या होता है, सो रूट सुपर यूजर होता है या तो एडमिन यूजर बोल सकते हैं, जिसके पास सारे एक्सेस होते हैं, वो किसी की भी लोकेशन में जा सकता है, कुछ भी चेंजेस कर सकता है, ठीक है। सो यस ओके, सो हम लोग पॉल की डायरेक्टरी में चले गए। अभी हम लोग सुपर यूजर हैं तो हम लोग के सुपर पावर भी है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं पॉल के डायरेक्टरी में। तो उसके हम लोग ने कौन से फोल्डर में चेंजेस किए थे, फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे उसने कुछ फाइल्स बनाई थी, ठीक है, फाइल फाइल वन फाइल टू। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ रूट फाइल, ठीक है। नाउ अगर आप ls ltr करोगे तो नाउ यू कैन सी ये जो रूट फाइल है उसमें देखोगे तो यहाँ पे जो यूजर है वो रूट है और जो ग्रुप है वो भी रूट है, ओके। और यहाँ पे ये जो चीजें देख रहे हो यहाँ पे इसकी परमिशन अब हो गई है चेंज। ऑलराइट, सो अभी हम लोग फिर से पॉल यूजर पे स्विच करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ, सिर्फ एग्जिट कर दो। सो आप रूट यूजर से एग्जिट हो गया, डायरेक्ट पॉल में चले जाओगे, ये देखो, ठीक है। क्लियर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, नाउ यू कैन सी हम लोग फिर से पॉल में आ गए, ठीक है। ls करोगे, ओके, सो यहाँ पे रूट फाइल बनी है। यहाँ पे यूजर कौन है, मतलब देखो ये फाइल का ओनर कौन है, रूट है, और ये किस ग्रुप का पार्ट है वो भी रूट है, ठीक है। नाउ अभी ये देखो ये क्या था, ग्रुप था और ये अदर्स था। अभी देखो ये तो रूट है, अभी रूट के लिए भाई पॉल तो क्या अदर हो गया ना। अभी मैं देखो एग्जीक्यूटिबल, ठीक है, इसको सिर्फ रीड परमिशन है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करने की ट्राई करता हूँ, मतलब डिलीट करने की ट्राई करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी राइट प्रोटेक्टेड रेगुलर एम्प्टी फाइल, राइट प्रोटेक्टेड मतलब मैं उसको चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से ls करता हूँ, ये फाइल अभी भी वही है, ठीक है। सो आई कांट चेंज एनीथिंग, ठीक है। मैं इसको राइट करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा देखना, ठीक है। रीड ओनली, सी यहाँ पे उसने पहले ही बोल दिया रीड ओनली, इट विल नॉट अलाउ, ठीक है। मैं जैसे ही आई प्रेस करूंगा, सी वार्निंग चेंजिंग अ रीड ओनली फाइल अलाउ यू टू चेंज एनीथिंग, ठीक है। ls ltr, ठीक है। सो हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्टरी किस टाइप की भी देख लिया और हम लोग ने परमिशंस के बारे में देख लिया, ओके। और सो मैं अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और देखो यहाँ पे ls -ltr कर लेता हूँ। सो यहाँ पे दो फोल्डर्स हैं, दो फाइल्स हैं, ठीक है। और हम लोग ने फाइल्स में राइट करना भी देख लिया, ठीक है। अभी
फाइल में हमारे कुछ रिटर्न है एंड हम लोग को रीड करना है, तो क्या करोगे? देखो ये फाइल वन में आप इसका साइज भी देख सकते हो 31, तो इसमें कुछ तो है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, एलएस करता हूँ, और ये हमारी फाइल वन को हम लोग को रीड करना है। तो रीड करने के लिए हम लोग के पास दो तीन ऑप्शन होते हैं एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल कैट कमांड, ठीक है। सो यहाँ पे फाइल वन हम लोग करेंगे, ठीक है, कैट एंड फाइल वन। तो यहाँ पे देखोगे, हेलो यूजर, माई नेम इज प्रशांत। तो ये जो फाइल के अंदर का कंटेंट है ना, वो कंसोल के ऊपर लाके रख देता है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू कैन रीड एनी फाइल। एंड उसके बाद एक और कमांड है, उसके बाद है लेस कमांड, ठीक है, लेस फाइल वन, ठीक है। लेस में पता है फायदा क्या है, ये एक अलग ही एडिटर टाइप का खोल देता है एंड उसमें आपको पूरी फाइल दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक पेजेस, ओके। सो इसमें फायदा यह है कि अगर आपकी बहुत बड़ी फाइल है तो आपकी कंसोल पे ना बिल्कुल हैंग टाइप का नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप रीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑल राइट, सो अभी है ना, हम लोग क्विकली फाइल टू में भी हम लोग कुछ थोड़ी सी एडिटिंग कर लेंगे। अगेन वी आई फाइल का नाम, ठीक है, और यहाँ पे फाइल है। फिर उसके बाद इंसर्ट मोड के लिए क्या करोगे, आप आई प्रेस करोगे, यहाँ नीचे यू कैन कंफर्म कि देखो इंसर्ट मोड है, उसके बाद आप कुछ भी टाइप कर सकते हो इजिली, ठीक है। हेलो यूजर्स, माई नेम इज राजू, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट मोड से निकलना है, इसके प्रेस करोगे और शिफ्ट कॉलन, ठीक है, शिफ्ट प्लस कॉलन, और सेव करने के लिए डब्ल्यू क्यू, ठीक है। एंड अभी हम लोग ने, ठीक है, देखा, अभी इसको इसको भी रीड करना है, तो क्या करोगे, कैट फाइल टू, देखो हेलो यूजर माय नेम इज राजू। एंड इसके बाद आपको पुरानी प्रीवियस कमांड पे जाना है, तो आप एरो, फिर उसके बाद हम लोग बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, हेलो यूजर माय नेम इज प्रशांत, ठीक है, इट्स रियली वेरी सिंपल, ओके। सो अभी हम लोग देखेंगे डब्ल्यू सी कमांड, दैट इज अ वर्ड वर्ड काउंट कमांड, ठीक है। वर्ड सी, दैट इज, उसके लिए क्या करना है, डब्ल्यू सी, एंड उसके बाद आप फाइल का नाम दे दोगे फाइल वन। तो आप देखोगे यहाँ ये क्या क्या प्रोवाइड करता है आउटपुट में, देखते हैं। टू मतलब सबसे पहले 2 लाइंस, 6 वर्ड्स, 31 बाइट्स, और बाइट इसको एक्चुअली इट्स अ टर्म फॉर द लिनक्स एंड बट मोस्टली इट्स लाइक द सेम एज अ कैरेक्टर। और ये फाइल वन, दैट इज जो भी हम लोग ने फाइल यहाँ पे करी है, ठीक है। तो सिर्फ लाइन देखनी है तो क्या करोगे, डब्ल्यू सी हाइफन एल सी, 2 लाइंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास एक बहुत बड़ी फाइल है, ठीक है, किसी सर्वर पे, और आपको चेक करना है कि कितने सारी लाइंस है, तो आपके ये कमांड यूज कर सकते हो। अगेन ये हाइफन एल कहाँ से आया, तो आप मैनुअल या फिर हेल्प कमांड की यूज चेक कर सकते हो, ओके। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं पहले पहले क्लियर कर देता हूँ। अभी देखो फाइल वन एंड फाइल टू है, हम लोग के दोनों के कंटेंट थोड़े से अलग अलग हैं। अभी मुझे ना कंपेयर करना है दोनों फाइल की, यार दोनों सेम तो नहीं है, क्या क्या चेंजेस हैं। मैं ना डिफ कमांड यूज करूंगा, डिफ, एंड हम लोग को दोनों फाइल्स का नाम देना है, फाइल फाइल वन एंड फाइल टू, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी इट्स अ हेलो यूजर्स, हेलो यूजर्स, ठीक है। एंड मतलब ये दोनों फाइल में क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक है, एंड फाइल वन फाइल टू, ठीक है। तो ये लाइन बाय लाइन एक्चुअली ये कंपेयर करता है एंड आपको शो करता है कि कौन सी लाइन में क्या क्या चेंजेस है, कि हम लोग कंप्रेस या डिकम्प्रेस किसी फाइल को या फोल्डर को कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग को विंडोज तो पता ही है कि आप जिप करते हैं, तो क्यों, क्योंकि अगर बड़ी फाइल है आपका, अगर आपको किसी को ट्रांसफर करना है या तो वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर करना है, तो आप उसको जिप कर लेते हो बिकॉज उसका साइज कंप्रेस हो जाए, ठीक है। सो वो चीज़ हम यहाँ पे लिनक्स में भी कर सकते हैं, कैसे करते हैं चेक करते हैं, एलएस एलटीआर, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, कि जो फाइल वन एंड फाइल टू है, ठीक है, फाइल वन एंड फाइल टू, ये दो फाइल्स हैं, मुझे उसको जिप करके मुझे किसी और लोकेशन में सेंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टार कमांड यूज करूंगा। टार टार एक्चुअली क्या है, हम लोग पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। अब दो दो फाइल्स हम लोग के, दो फाइल्स को हम लोग इकट्ठा पैकेज कर देंगे एंड उसके बाद कंप्रेस करेंगे। सो टार में क्या करेंगे, सी वी एफ, ठीक है। अगेन ये पैरामीटर्स के मतलब क्या है, सो आप हेल्प मैनुअल्स देख सकते हो, सी वी एफ, या फिर अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखो, सी वी एफ जो टार फाइल करेंगे उसका नाम क्या होगा, सो फाइल्स डॉट टार, क्योंकि फाइल से, क्योंकि दो फाइल है, फाइल वन फाइल टू, तो हम लोग फाइल्स डॉट टार, बाकी आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो। और यहाँ पे कौन कौन सी फाइल आपको यहाँ पे पैकेज करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे फाइल वन फाइल टू, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके बाद एंटर कर दूंगा, एल एस एल टी आर। नाउ यू कैन सी फाइल्स डॉट टार, ये देखो ये मेरा पैकेज बन गया जिसमें फाइल वन एंड फाइल टू दोनों फाइल को मैंने पैकेज कर लिया। नाउ उसको मुझे जिप करना है, कंप्रेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, जी जी जिप,
एंड फाइल्स डॉट टार zzip, ठीक है, zzip करूंगा और फाइल डॉट टार मतलब जो मेरे टार वाली फाइल है उसका नाम. एंड नाउ इफ आई हिट एंटर एंड lsltr करोगे, नाउ यू कैन सी फाइल्स डॉट टार डॉट zzip. ओके, नाउ अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नो चेक करोगे तो फाइल्स डॉट टार इसका देखो साइज देखो, एंड नाउ जो फाइल्स डॉट टार डॉट zzip है तो 196. सो अब कैन यू सी द डिफरेंस कितना बड़े लेवल पे कंप्रेस कर दिया. ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी फाइल्स एक्चुअली होती है ना सिर्फ उसके लिए एक्चुअली ये बहुत यू नो यूजफुल होता है. कंप्रेस्ड हम लोग का zip फाइल है, अब मुझे किसी दूसरे लोकेशन पे करना है तो क्या करूँगा, कॉपी कमांड या तो मूव कमांड भी कर सकता हूँ, इट्स फाइन. मूव में मतलब पूरा मूव हो जाएगा कट पेस्ट, एंड कॉपी में कॉपी पेस्ट. ठीक है, सो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट वैसा भी कर सकते हो. ठीक है, सो कॉपी फाइल्स स्टार्ट और जेड, क्योंकि मुझे कॉपी ये वाली फाइल करनी है और किस लोकेशन में करनी है, लोकेशन का नाम देना है. तो ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मुझे फोल्डर वन के अंदर भेजना है. ठीक है, फोल्डर वन. ठीक है, तो मैं फोल्डर वन, ठीक है, ये यहाँ पे सोर्स मतलब कौन सी फाइल, और यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन. ठीक है, तो फोल्डर वन के अंदर जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पे तो फाइल रहेगी बिकॉज हम लोग ने कॉपी पेस्ट किया है. अभी हम लोग फोल्डर वन के अंदर जाएंगे, क्या करेंगे, सीडी फोल्डर वन, यहाँ पे ls, ये देखो हम लोग ने फोल्डर वन के अंदर वो वाली जो zip फाइल थी वो हम लोग ने कॉपी कर ली. ठीक है, हम लोग ने कॉपी तो कर ली और ये क्या थी, कंप्रेस्ड फाइल थी. अब डीकंप्रेस कैसे करना है, डीकंप्रेस भी करना पड़ेगा यार. सो हम लोग क्या करेंगे, गन zip कर सकते हैं, गन zip. गन zip नहीं होते एक्चुअली, जी को हटा दो और अनजिप हो जाता है. ठीक है, zip और अनजिप कर रहा है, अनजिप कर रहे हैं फाइल्स डॉट टार. ठीक है, तो अभी देखो यहां पे वो टार वाली फाइल बन गई, अभी उसको अनटार भी करना है. सो हम लोग क्या करेंगे, टार एक्स पी एफ, ठीक है, फाइल्स डॉट टार. ठीक है, नाउ ls माइनस ltr करोगे, सो सी यू कैन सी कि अभी हम लोग ने अनजिप भी यू नो डीकंप्रेस कर दिया और अनटार भी कर लिया, और ये दो फाइल्स हमारे पास आ गई है. सो इसी टाइप से यू नो आप अपनी फाइल्स को जिप कर सकते हो, किसी भी यू नो वन मशीन से दूसरी मशीन पे भेज सकते हो, और स्पेशली जब बड़ी फाइल्स है तो बहुत हेल्पफुल रहती है. ठीक है, ऑलराइट, सो अभी ठीक है, सो फाइल्स डॉट टार है, सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव फाइल्स डॉट टार. तो देखो यहाँ पे रिमूव हो गया. ओके, मुझे एक चीज और दिखानी थी कि आप फाइल को रीनेम कैसे कर सकते हो. ठीक है, तो रीनेम भी कई बार आप करते हो विंडोज पे करते हो ऑफकोर्स. तो जैसे फाइल वन एंड फाइल टू है, तो मुझे क्या करना है, फाइल वन को मुझे फाइल ए और फाइल टू को फाइल बी करना है. ऐसा मतलब मैं नाम चेंज कर रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, मूव कमांड यूज करोगे. ठीक है, मूव फाइल वन एंड फाइल ए. मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मूव ये जो फाइल वन है, ठीक है, सो जो वन है उसको फाइल ए में अब तुम पास कर दो एंड फाइल वन डिलीट कर दो. इट्स लाइक द रीनेमिंग ऑल्सो बट इनडायरेक्टली. सो बट लिनक्स पे ऐसे ही करते हैं. ठीक है, तो आप जैसे कि कर सकते हैं, फिर इसके बाद ls करोगे तो यहाँ पे देखो फाइल टू एंड फाइल ए है. ठीक है, सिमिलरली हम लोग फाइल टू को फाइल बी कर लेते हैं. यहाँ पे ls माइनस ltr करोगे तो फाइल एफ और फाइल बी हो गई. ठीक है, आपके पास दो फाइल्स हो गई. ऑलराइट, जल्दी से दो चीजें और समझ लेते हैं कि स्प्लिट और यू नो कंबाइन कैसे करना फाइल को. अभी देखो जैसे कि कैट फाइल ए में माय नेम इज प्रशांत है और कैट फाइल बी में माय नेम इज राजू है. मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे ये दोनों फाइल का कॉन्टेंट को ऐड करना है. ठीक है, मतलब दोनों फाइल को मिला के तीसरी फाइल बनानी, लेट से कि फाइल सी. तो हम लोग क्या करेंगे पता है, इसके लिए क्या करना है आपको, कैट. ठीक है, कौन सी कितनी भी फाइल्स आपको जो बनानी है, क्या कैसे बनाओगे, मतलब कैसे टाइप करोगे बताता हूँ. फाइल ए फाइल बी, मुझे ये दोनों फाइल के कंटेंट कॉपी करना है किसी तीसरी फाइल में. सो हम लोग क्या करेंगे, दिस मतलब मैं उसको उस फाइल में पॉइंट कर दूंगा. ठीक है, और यहाँ पे हमें अपनी तीसरी फाइल का नाम देना है. अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो बना देगा, अगर एग्जिस्ट है तो उसी में राइट कर देगा. ठीक है, फाइल सी, फाइल एंटर तो सी ऐसा कुछ कर देता हूं जो दिखेगा. ठीक है, नाउ ls करोगे सो फाइल सी. ओके, नाउ अगर कैट फाइल अंडरस्कोर सी करते हो तो नाउ सी आपको दोनों फाइल्स के कंटेंट दिख जाएंगे. ठीक है,
ठीक है। सो इसी प्रकार से आप अपने फाइल्स को कंबाइन भी कर सकते हो। ओके, हाउ टू स्प्लिट अ फाइल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फाइल बहुत बड़ी है, ये मतलब समझ लो कि 100 लाइन्स, लाइक 100 तो बहुत कम हो गया, लाइक 1000 लाइन, 2000 लाइन, और आप चाहते हो कि उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, सो आप पता है क्या कर सकते हो, स्प्लिट एक कमांड है, उसका भी यूज कर सकते हो। लाइक जैसे कि फाइल ए है, ठीक है। फाइल ए में देखो, फाइल ए में क्या है पहले देख लेते हैं। फाइल ए, हेलो यूजर, माय नेम इज प्रशांत, ठीक है। जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे दो लाइन है। मैं क्या बोलता हूँ कि इसको स्प्लिट करके दो फाइल बना दो, एंड उसमें एक एक लाइन डाल देते हैं, ठीक है। इसमें इसके लिए क्या करना है, स्प्लिट स्प्लिट एल सॉरी एल मतलब लाइन, कितनी लाइन, एक लाइन मुझे करना है, एंड कौन सी फाइल, ठीक है। सो फाइल ए स्प्लिट करनी है, ठीक है। नाउ इफ यू माइंड हिट ls -ltr, नाउ यू कैन सी यहाँ पे इसने दो फाइल बनानी, एक्स ए बी एंड एक्स ए ए। अभी देख लेते हैं इसके कंटेंट में क्या क्या है। ऑलराइट, देयर इज वन मोर थिंग। देखो, अगर आप जब माउस यूज करते हो ना लिनक्स पे, तो इट इज थोड़ा सा डिफरेंट है जब आप जैसे विंडोज में करते हो। अगर जैसे कॉपी पेस्ट की बात करें, तो इट्स वेरी इजी एज कम्पेयर टू द विंडोज। देखो जैसे कि एक्स ए बी है ना, तो मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, और मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, सो मैं यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक कर दूंगा, राइट क्लिक, यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो दिस इज ऑल्सो वन टिप फॉर यू। यहाँ पे कैट करोगे, माई नेम इज प्रशांत, और अगेन कैट एन एक्स ए, सो सी हेलो यूजर, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि जब भी आप माउस से कुछ भी सेलेक्ट करते हो कंसोल पे, वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो चुका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। ओके, सो मैं ना यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक क्विकली एक फाइल बनाता हूँ, थोड़ी सी बड़ी सी फाइल बनाते हैं हम लोग, और उसमें रैंडम से कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं, एंड मैं आपको शो करूंगा कि आप बड़ी फाइल से कैसे डील कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे, ठीक है, टच टच कमांड भी यूज कर सकते हो फाइल के लिए, या डायरेक्टली VI और एक नई फाइल, ठीक है। सो टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल ऐसा मैं कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं इंसर्ट मोड पे आऊंगा, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी ये जो चीजें हैं, मैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी फाइल बन गई है, मतलब ठीक ठाक, नॉट वेरी बिग एक्चुअली। मैं थोड़ा सा और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा रैंडम टेक्स्ट ऐड कर लिया है। अभी मैं जो मैंने बोला था लेस कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे कैट करते हो ऑन टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल ऐसे करते हो, तो सिर्फ देखो यहाँ पे इतना सारी चीजें आ गई ना कि आप रीड नहीं कर पाओगे। तो बड़ी फाइल के लिए कैट कमांड इज नॉट वेरी गुड। सो आप पता है यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगेन लेस कमांड, ठीक है, लेस कमांड एंड एंड आपकी फाइल का नाम। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है, आपको ना ऐसे अगर आप डाउन एरो ऐसे प्रेस करते जाओगे, तो आपको स्लोली स्लोली आप इसे डाउनवर्ड आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, टिप्स नहीं, आई मीन लाइक कमांड्स, या फिर कैसे यूज करना है। देखो, अभी जैसे फाइल बहुत बड़ी है, ठीक है, आपको लेटेस्ट कंटेंट देखना है, या तो सबसे एंड का कंटेंट देखना है, तो क्या करोगे, शिफ्ट प्लस जी, ओके, शिफ्ट प्लस जी प्रेस करोगे, या देखोगे तो आप सबसे लास्ट में आ गए। यहाँ पे देखो एंड भी दिखा रहा है, ठीक है, तो एंड ऑफ द फाइल में आ जाते हो, ठीक है। अगर आपको, अगर सबसे लास्ट में हो, अगर सबसे पहले जाना है, तो आप क्या पी कमांड, आप पी प्रेस करोगे, तो इस सो वो प्रीवियस सबसे स्टार्टिंग में चले जाएगा, देखिए पहली लाइन है। ओके, देयर इज वन थिंग। चलो मैं शिफ्ट जी फिर से करता हूँ लास्ट में, ठीक है। मैं एक कुछ ना यहाँ पे सर्च करता हूँ, फिर रिपीट, ओके, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल, ये इतनी बड़ी फाइल है, और आपको ना कोई स्पेसिफिक वर्ड सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग के एप्लीकेशन में कुछ एरर तो नहीं है, तो वैसे हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं। सो कुछ सर्च करना है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो सॉरी, यहाँ पे कॉलम दिखना चाहिए, ठीक है, एंड में। इसके बाद आप लोग फॉरवर्ड स्लैश करोगे, फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप जो भी टाइप करोगे, उसके बाद आपको एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल, रिपीट, ठीक है। तो ये वर्ड मुझे सर्च करना है इस फाइल में, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो नाउ यू कैन सी, देखो डायरेक्टली उस लाइन पे मुझे वो लेके गया कि हाँ भाई, ये वर्ड है और इस लाइन पे है, ठीक है, बढ़िया। नाउ मैं फिर से
इसको मैं प्रीवियस पे जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे कोई, मैं एक और वर्ड उठा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एथिक्स। ठीक है, ठीक है। तो ये तो मैंने दिखाया कि आप स्टार्टिंग फाइल से कैसे सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सबसे एंड में हो और आपको अपर वर्ड सर्च करना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज करोगे, क्वेश्चन मार्क एंड उसके बाद एथिक्स, एथिक्स। ठीक है, हम लोग सर्च करना है, यहाँ पे एंटर करोगे। सो नाउ यू कैन सी कि वो डायरेक्टली एथिक्स पे लेके गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एथिक्स हो सकता है एक से ज्यादा वर्ड हो, आपको उसके लिए क्या करोगे, एन प्रेस करते जाओगे। एन मतलब नेक्स्ट, तो देखो यहाँ पे एन प्रेस करोगे, ये देखो ये दूसरा तीसरा, मतलब जितने भी हैं वो अब हर लाइन पे आपको ऐसे शो करते जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे कि आप जैसे सर्च कैसे कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक वर्ड सर्च करना है और यही कंसोल पे शो करना है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, आप कैट करो, टेक्स्ट फाइल करो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पाइपिंग का सिस्टम भी बताऊंगा। ठीक है, पाइप एंड यहाँ पे आप ग्रैप कमांड यूज करोगे, ग्रैप, और इसके बाद आप कोई जो भी वर्ड यूज करोगे वो आपको दिखाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग ने पहले रिपीट किया था। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे करेंगे, सो नाउ यू कैन सी, तो जिस पैराग्राफ में वो रिपीट वर्ड था उसने वो पूरा आपके कंसोल पे लाके दे दिया कि हाँ भाई ये वर्ड था, और ये ले भाई पूरी लाइन और पैराग्राफ ले ले। सो दिस इज हाउ यू कैन ग्रैप और फिल्टर द टेक्स्ट ऑफ द फाइल। ठीक है, ग्रैप यूज करके। अगर देखो ये इसमें आई थिंक ये आपके पहली बार देखा होगा, सो कैसे करना है। सो नाउ कैट टेक्स्ट फाइल, ये तो आपको पहले से पता था। सो ग्रैप का मतलब क्या होता है, देखो ये कैट टेक्स्ट फाइल, तो इसका कुछ आउटपुट आया होगा। ठीक है, कुछ कंटेंट उसने उठाया, आउटपुट आया होगा, ये आउटपुट इसके लिए इनपुट है। ठीक है, तो इसके लिए इनपुट मतलब इसके पास कंटेंट आया और उसने उसको ग्रैप करके ये वर्ड को फाइंड किया। ठीक है, सिंपली अगेन ये देखो यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप रिपीट ऐसे आर कैपिटल करते हो तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। अगर आपको केस सेंसिटिव की झग झिक झिक नहीं चाहिए, आप यहाँ पे क्या करोगे, हाइफन, सॉरी हाइफन आई, मतलब इग्नोर कर देगा, और उसके बाद करोगे तो ये आप फिर से दिखा देगा। ठीक है, सो आपको अगर केस सेंसिटिव का ये चीज हटानी है, सो आप ठीक है इस मेथड से भी कर सकते हो। ओके, सो अभी हम लोग ने एक चीज और देखी थी कि कैट कमांड यहाँ पे कंसोल पे डायरेक्ट यूज करने का मतलब नहीं है, बिकॉज अगर आपकी बहुत बड़ी फाइल है तो आप उसको रीड नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि आपकी फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी फाइल की स्टार्टिंग की एक दो लाइन रीड करनी है, या तो एंड की कुछ फाइल्स फाइल्स क्या बोलूंगा, मतलब लाइन रीड करनी है, तो आपके लिए क्या हैड और टेल कमांड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेड, ठीक है, और मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे वो जो फाइल थी ना उसकी सिर्फ एक लाइन फर्स्ट लाइन करनी है, तो मैं हाइफन वन कर दूंगा और यहाँ पे अपने फाइल का नाम दे दूंगा। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी उसने सिर्फ एक ही लाइन दिखाई, मतलब वो लाइन बहुत बड़ी है एक्चुअली, सो वो बात अलग है। इन द सिमिलर वे, ठीक है, अगर आपको टेल कमांड, मतलब आपको एंड की एक दो लाइन देखनी है, तो आप यहाँ पे टेल कमांड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइन टू में से मुझे लास्ट की सिर्फ दो लाइन देखनी है, तो ऐसा है। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे वन कर देता हूँ, तो वो वन ही दिखाएगा। ओके, एंड इन द लास्ट हम लोग को सॉर्टिंग देख लेते हैं, एक बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, क्विकली हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे सॉर्टिंग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए एक्चुअली ठीक है इंसर्ट कर दिया, एंड इसके बाद फिर ए हम लोग कुछ भी ऐसे रैंडमली लिख देंगे। ठीक है, डी दो बार हो गया, नहीं ठीक है डी भी दो बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ फिर मैं ए फिर से कर लेता हूँ, पी, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे थोड़े से अल्फाबेट्स लिखे हैं। ठीक है, दैट्स इट, कैट सॉर्टिंग, नाउ यू कैन सी ए ओ डी डब्ल्यू जेड। ओके ओके, नाउ अगर मुझे अगर मैं क्या चाहता हूँ कि इसको सॉर्ट कर दूँ, ठीक है, तो सॉर्ट कैसे कर सकता हूँ, मैं सॉर्ट एंड यहाँ पे फाइल का नाम दूंगा। नाउ यू कैन सी ए ए डी डी एल ओ, दिस इज दिस। ओके, सो यू हैव सीन कि भाई इसने कैसे सॉर्ट कर दिया। अभी मैं क्या, जैसे कि हम लोग देख सकते हो यहाँ पे डुप्लीकेट्स भी हैं, ए ए डी डी ओ, ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूनिक कमांड एक्चुअली यूज करेंगे। ओप्स, ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सॉर्ट, ओके यार थोड़ा सा ये भद्दा दिख रहा है। ओके, सॉर्ट हमारी फाइल का नेम और ग्रैप,
उसके बाद हम लोग सिर्फ यूनिक लिखेंगे। यहाँ पे देखोगे तो ADL, यहाँ पे उसने इस बार डुप्लीकेट्स नहीं दिखाया। तो आपकी कई बार रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप किसी फाइल में सिर्फ यूनिक नेम्स या फिर यूनिक फील्ड्स यू नो निकालना चाहो, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो और सॉर्ट भी कर सकते हो। सो ये वीडियो यहीं तक था, होप आपके ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड आपको इतनी कमांड्स यू नो इतनी चीज़ें तो आनी चाहिए। सो अगर आपको इतनी चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपकी जॉब में एंड आपके करियर में। ओके एंड ऑफकोर्स कि यहाँ वीडियो देख लिया है और सो आप प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है, और एक और बार बार देख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब द चैनल।